गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन एट होम। वेलकम बैक टू साइंस क्लास। यस्टरडे वी लर्न चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज। टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 20 मैपिंग प्लेस अराउंड अस। टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 20 मैपिंग प्लेस अराउंड अस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 मैपिंग प्लेस अराउंड अस, मतलब ऐसा एरिया जो हमारे घर के आसपास होता है। जैसे कि हमें हमारे फ्रेंड्स के घर जाना हो तो हमें उसके लिए मैप की जरूरत है। अगर हम पहली बार जा रहे हैं या फिर हम ऐसा कोई साइन देखते हैं जहाँ से हमें वो टर्न लेना है, या फिर ऐसी कोई चीज देखते हैं, ऐसे लैंडमार्क देखते हैं कि जहाँ पर हमें जाना हो, जैसे कि नियर द टेम्पल, बिहाइंड द होटल, ऐसे कुछ जगह पे जहाँ पर हमें जाना हो उसका लैंडमार्क याद रखते हैं ताकि हमें जाने में आसानी हो सके। बट अभी गूगल मैप होने की वजह से वो आसानी से हमें मिल जाता है। सो स्टूडेंट, टेक योर पेंसिल और हाइलाइटर इन योर हैंड एंड आई विल टेल यू दिस सेंटेंस इज हाइलाइटेड। सो स्टूडेंट, शैल वी स्टार्ट? देन स्टार्ट। राइट डाउन सी डॉट डब्ल्यू, देन डी टी डेट, विच डेट इज टूडे? टूडे इज 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021। ओके, सो टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 20 मैपिंग प्लेस अराउंड अस। ऐसी जगह जो हमारे आसपास में हो उसका हम क्या निकालते हैं? मानचित्र। मानचित्र मतलब मैप। लोकेटिंग प्लेस, डायरेक्शन, रीडिंग अ स्केच मैप, देन इंडिया अवर कंट्री, ये इसके कंटेंट्स हैं। सो टुडे वी विल लर्न लोकेटिंग प्लेस, डायरेक्शन एंड रीडिंग अ स्केच हाफ पोर्शन। ओके, रीडिंग अ स्केच के हाफ पोर्शन तक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट, शैल वी स्टार्ट? लोकेटिंग प्लेस, लोकेटिंग प्लेस मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हमें जाना हो, ऐसी जगह जहाँ पर हमें जाना लोकेटिंग प्लेस मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हमें जाना हो। लोकेटिंग प्लेस इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड मैपिंग। ऐसी जगह जहाँ पर हमें जाना हो उस जगह का नक्शा, उस जगह के नक्शे को क्या कहा जाता है? मैपिंग। उस जगह के नक्शे को क्या कहा जाता है? मैपिंग। ये मैपिंग की डेफिनेशन है स्टूडेंट, इसको हम हाईलाइट करेंगे। मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इसको हाईलाइट कीजिए। लोकेटिंग प्लेसेस इन गिवन एरिया इज कॉल्ड मैपिंग। ऐसी जगह जहाँ पर हमें जाना है या हमें जहाँ का नक्शा बनाना है, लोकेटिंग प्लेस इन अ गिवन एरिया, ऐसे जगह का लोकेशन, ऐसे जगह का नक्शा जहाँ पर हमें जाना है उसे मैपिंग कहा जाता है। वी कैन इजीली टेल द पोजीशन ऑफ द थिंग विथ रिस्पेक्ट टू अवर पोजीशन। हम ये बता सकते हैं कि वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर हम खड़े हैं उस जगह से, मतलब जैसे कि हम सेंटर में खड़े हैं सिटी के और हमें ईस्ट में, सिटी के ईस्ट में जाना है, सिटी के वेस्ट में जाना है, शहर के साउथ में, नॉर्थ में जाना है, कि शहर के कहाँ जाना है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, शहर के कौन से कोने में जाना है, वो हम वहाँ से बता सकते हैं जहाँ पर हम खड़े हो। अगर हम सिटी के बीच में खड़े होते हैं तो हम बता सकते हैं कि चारों में से किस डायरेक्शन में हमें जाना है, कि शहर के नॉर्थ प्लेस में है, शहर के साउथ प्लेस में है, शहर के ईस्ट में है, शहर के वेस्ट में है, इस गली में है, उस गली में है, वो लोकेशन हम बराबर बता सकते हैं। वी यूज द वर्ड, उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, अंडरलाइन करते चलेंगे स्टूडेंट। फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट। फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट। फ्रंट मतलब के आगे, बैक मतलब पीछे, राइट मतलब सीधे हाथ पर और लेफ्ट मतलब दाएं हाथ पर, बाएं और दाएं हाथ पर। दीज आर फोर साइड्स। यहाँ पर कितनी साइड्स होती है? फोर डायरेक्शन होती है, फोर साइड्स होती है। फॉर एग्जाम्पल वी से द कंप्यूटर इज ऑन फ्रंट ऑफ अस। हम बोलते हैं कि कंप्यूटर हमारे आगे है, मतलब ये जो बॉय है इसके आगे क्या है? कंप्यूटर है। द कैट इज अवर लेफ्ट। कैट हमारे लेफ्ट में है। द अलमेरा इज टू अवर राइट। जो अलमेरा है मतलब जो अलमारी है वो कहा है? राइट में है। द स्पेस टू अवर राइट हैंड इज द राइट साइड। ऐसी जगह
कि जहाँ पर हम राइट साइड में खड़े हैं, द प्लेस टू अवर लेफ्ट हैंड इज अवर लेफ्ट साइड, तो हमारे लेफ्ट हैंड पर क्या रहती है, लेफ्ट साइड रहती है ना। तो मैं इसको सीधे लैंग्वेज में समझा देती हूँ, आपको किताब की लैंग्वेज में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि कंप्यूटर मेरे सामने में है, मेरे फेस के आगे है, मतलब हम उसको समझ के चलते हैं कि ईस्ट में है, तो टेबल मेरे बैक में है क्योंकि मैं टेबल के ऊपर बैठा हूँ, तो टेबल मेरे बैक में है, मतलब वो वेस्ट में है। जो लेफ्ट हैंड है, मेरे लेफ्ट हैंड पर कैट बैठी है, लेफ्ट हैंड साइड पे कैट बैठी है, और राइट हैंड साइड में क्या रखी है, अलमारी रखी हुई है, तो हम कहेंगे द फ्रंट ऑफ, फ्रंट में क्या है, कंप्यूटर, लेफ्ट में क्या है, कैट, राइट में क्या है, अलमारी, और बैक में क्या है, टेबल। ओके, आपको ये समझ में आया? तो ये चार साइड्स होती है, ये क्या होती है, चार साइड्स होती है। अब इन्हीं को हम डायरेक्शन के तौर पर भी पढ़ेंगे नीचे में। ओके, ये क्या हो गई हमारी चार साइड, फ्रंट बैक राइट एंड लेफ्ट, ये हमारी चार साइड हो गई। लेफ्ट हैंड मतलब फ्रंट में मतलब आगे में है, बैक में मतलब पीछे में है, राइट में मतलब हमारा राइट हैंड साइड जो है वहां पर अलमारी है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर कैट है। ओके, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन, देयर आर फोर मेन डायरेक्शन, अंडरलाइन दिस वर्ड क्योंकि क्वेश्चन भी हमें दिया है। ओके, देयर आर फोर मेन डायरेक्शंस, दे आर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, देयर आर फोर मेन डायरेक्शन, मुख्य चार दिशाएं होती है, मुख्य चार दिशाएं होती है, दे आर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, वो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण, ईस्ट मीन्स पूर्व, और वेस्ट मीन्स पश्चिम। नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण, ईस्ट मीन्स पूर्व और पश्चिम। ओके, इफ वी स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, अगर हम उगते हुए सूरज की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, इफ वी स्टैंड द राइजिंग सन, अगर हम सूरज की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, वी आर फेसिंग द ईस्ट, इसका मतलब है कि हम पूरब की तरफ फेस करके खड़े हैं। अवर बैक पॉइंट टू द वेस्ट, और हमारा पिछला जो हिस्सा है वो कहाँ पे है, वेस्ट में। नॉर्थ इज अवर लेफ्ट हैंड एंड साउथ इज अवर राइट हैंड, हमारे लेफ्ट हैंड में नॉर्थ है और राइट हैंड में साउथ है। अ कंपास इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, और कंपास का इस्तेमाल डायरेक्शन के लिए किया जाता है। मैं आपको कंपास का पिक्चर इस वीडियो के बाद सेंड करूंगी। ओके, पीडीएफ बनाकर। सेलर यूज अ कंपास टू फाइंड अ डायरेक्शन व्हाइल सेलिंग, सेलर जो होते हैं, जो नवैया होते हैं, या जो जहाज चलाते हैं, जहाज का कैप्टन होता है, तो उस सेल में मतलब उस जहाज में कंपास लगी हुई होती है, वो डायरेक्शन बताती है कि जहाज ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, कि नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहा है। ओके, मैं आपको डायरेक्शन अभी डायग्राम के तौर पर समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने फोर डायरेक्शन ड्रॉ करी है। ओके, तो डायरेक्शन होती है डायरेक्शंस। ओके, कितनी डायरेक्शन हमारी, मेन डायरेक्शन है हमारी फोर मेन डायरेक्शंस है। ओके, मेन फोर डायरेक्शंस। ओके, हमारी मेन फोर डायरेक्शंस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, अगर समझो आप यहाँ पर फेस करके खड़े हैं, तो सूरज कहाँ उग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सूरज कहाँ उग रहा है, यहाँ पर। ओके, ये हमारा सन है, सन कहाँ राइज होता है, ईस्ट में। सन कहाँ राइज होता है स्टूडेंट, ईस्ट में। ये हमारा सन है जो ईस्ट में उग रहा है, इसलिए अगर हम इस यहाँ पर सेंटर में खड़े हैं और हमारा फेस इधर है, इस साइड में है, तो हमारा फेस कहाँ पे है, सन की तरफ है, मतलब ये डायरेक्शन कौन सी है, अगर हमारा फेस सन की तरफ है मतलब ये ईस्ट है, और जो हमारा बैक है वो क्या है, वेस्ट है, वो क्या है, वेस्ट है। ओके, हमेशा ये याद रखना स्टूडेंट कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होती है। अगर हम सूरज की तरफ फेस करके खड़े हैं, समझो यहाँ पर हम फेस करके खड़े, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज यू, अगर ये पेन आप है
तो आप ईस्ट की तरफ फेस करके है, इसका मतलब आपका जो बैक है, आपका जो बैक है वो क्या है, वेस्ट है। ओके, और हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ डायरेक्शन होती है इफ अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो। अगर आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होती है और राइट हैंड साइड में हमेशा साउथ डायरेक्शन होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ओके, ईस्ट में हम फेस खड़े हैं मतलब सनराइज हो रहा है, वेस्ट में सनसेट होता है, नॉर्थ डायरेक्शन लेफ्ट में आती है हमेशा और राइट डायरेक्शन साउथ में आती है। ओके, तो ये हो गया हमारा मैप। ओके, तो उसने वही कहा है कि इफ वी स्टैंड फेसिंग द सन, इफ वी स्टैंड फेसिंग द सन, वी आर फेसिंग द ईस्ट। इसका मतलब है कि हम ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। ओके, अवर बैक पॉइंट टू द वेस्ट, हमारे पीछे में क्या आएगा, वेस्ट आएगा। ओके, नॉर्थ इज अवर लेफ्ट हैंड, नॉर्थ इज अवर लेफ्ट हैंड एंड साउथ इज अवर राइट हैंड। द कंपास यूज, कंपास पता है स्टूडेंट आपको कैसे होता है, ये आपका कंपास है, इसकी नीडल हमेशा रोटेड होती रहती है। अगर आप कंपास को लेकर ईस्ट की तरफ खड़े हो तो वो नीडल, आप जिस जगह पे भी खड़े हो अगर वो ईस्ट है तो नीडल ईस्ट की तरफ दिखाएगा, अगर साउथ की तरफ आपका फेस है तो साउथ दिखाएगा, अगर वेस्ट की तरफ आपका फेस है तो वेस्ट दिखाएगा और नॉर्थ की तरफ आपका फेस है तो वो नॉर्थ दिखाएगा। तो ये कंपास ऐसे राउंड में होती है और वो डायरेक्शन ही शो करती है। ओके, तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन। आई होप आपको डायरेक्शन समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आ गई होगी तो मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करूंगी, उसके ऊपर से आपको समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, देन अब पढ़ेंगे हम रीडिंग अ स्केच, पेज नंबर 113, रीडिंग अ स्केच। रीडिंग अ स्केच, अ स्केच इज अ रफ डायग्राम ऑफ अ प्लेस। स्केच क्या होता है, एक ऐसी रफ डायग्राम है प्लेस की जिसे हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अंडरलाइन दिस लाइन, अ स्केच इज अ रफ डायग्राम ऑफ अ प्लेस, ऐसी जगह जो रफ में बनाते। इट शोज द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑफ रिवेलेंट डिटेल्स, इट शोज द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑफ रिवेलेंट डिटेल्स, उसमें सारी डिटेल्स शो की होती है, ऐसे स्केच में सारी डिटेल शो की होती है। हियर इज अ स्केच ऑफ क्लासरूम, एक क्लासरूम का स्केच है, क्लासरूम का डायग्राम बनाया हुआ है। दिस स्केच शोज अ डोर, इसमें आपको डोर भी दिखाया है, दिस वन इज डोर। थ्री विंडोज, यहाँ पर तीन विंडोज दिखाया, दिस वन इज फर्स्ट देन सेकेंड एंड देन थर्ड वन। ओके, यहाँ पर वन डोर है एंड थ्री विंडोज है, वन टू एंड थ्री। उसने क्या कहा, दिस स्केच शोज अ डोर, इस स्केच में डोर दिखाया है, थ्री विंडोज है, टीचर्स टेबल एंड स्टूडेंट टेबल, दिस वन इज टीचर्स टेबल एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स टेबल है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेबल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, टेन टेबल्स है, मतलब यहाँ पर कम से कम 30 बच्चे बैठते होंगे या 20 बच्चे बैठते होंगे, मैक्सिमम 30 एंड मिनिमम 20, कम से कम 20 बच्चे और ज्यादा से ज्यादा 30 बच्चे इस क्लासरूम में बैठते होंगे, है ना, एक टेबल पे 3 बच्चे, दिस दैट इज 30 एंड अगर 2 बच्चे बैठते होंगे तो दैट इज 20। ओके, देन देयर इज अ कबर्ड इन द लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर में क्या दिया है, कबर्ड दिया है, ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर है, ये हमारा राइट कॉर्नर है। तो लेफ्ट कॉर्नर में हमारा डोर भी है और एक स्मॉल विंडोज भी है, राइट कॉर्नर में एक विंडो है, बैक में एक विंडो है, ओके, और सामने में टीचर का टेबल है। ओके, देन और क्या दिया इस मैप में, अ मैप इज ऑल्सो हैंगिंग ऑन द वॉल इन द राइट कॉर्नर, और मैप भी क्या किया है, राइट कॉर्नर में लगाया हुआ है। दिस इज द क्लासरूम स्केच, ये क्या है, क्लासरूम का स्केच है, स्केच में एक डोर, तीन विंडोज, स्टूडेंट टेबल, 10 स्टूडेंट टेबल, 1 टीचर टेबल, ब्लैक बोर्ड, कबर्ड एंड मैप, इतनी चीजें इसमें दिखाई गई है। देन नेक्स्ट इज, दिस इज अ स्केच ऑफ जॉन्स नेबरहुड, ये जॉन के पड़ोस का
स्केच है, ये जॉन के पड़ोस का। नेबरहुड मतलब पड़ोस, और नेबर मतलब पड़ोसी। दिस इज द डिफरेंस ऑफ नेबर एंड नेबरहुड। नेबर मतलब पड़ोसी, हमारे पास में जो घर होता है उसको नेबर्स कहा जाता है। ओके, हमारे आसपास के जो घर होते हैं उनको नेबर्स कहा जाता है, हमारी कॉलोनी में जितने घर है वो नेबर्स है। पर नेबरहुड मतलब हमारे पड़ोस में, मतलब हमारे शहर में जितनी भी चीजें आती है वो हमारे नेबरहुड में आएगी। ओके, ही हैज इनवाइट रोज ऑन हिज बर्थडे, उसने रोज को अपने बर्थडे में इनवाइट किया है। ये जॉन के नेबरहुड का पड़ोस का स्केच है, और उसने रोज को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। रोज डज नॉट नो द वे टू जॉन्स हाउस, रोज को उसके घर का पता नहीं पता है। रोज को उसके घर का पता नहीं पता है, उसके एड्रेस उसको नहीं पता है। जॉन वर्बली इंस्ट्रक्ट हर दैट आफ्टर कमिंग आउट ऑफ हर हाउस शी हैज टू गो द लेफ्ट। जॉन क्या कर रहा है, वर्बली मतलब बोलकर बता रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि उसका घर किधर है। वो क्या कह रहा है, जब वो अपने घर से निकलेंगी, इंस्ट्रक्ट हर दैट आफ्टर कमिंग आउट ऑफ हर हाउस, जब वो अपने घर से निकलेगी शी हैज टू गो टू द लेफ्ट, तो उसको अपने लेफ्ट हैंड साइड पर मुड़ना है। जब वो अपने घर से निकलेगी तो उसको किस साइड में मुड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड में। आफ्टर द हाउसिंग एरिया शी कैन फाइंड अ चर्च, जब वो अपने घर से निकलेगी तो उसके घर के बाद लेफ्ट में मुड़ना है, और लेफ्ट में जब वो जाएगी, घर खत्म होने के बाद क्या आएगा, चर्च आएगा, उसको चर्च दिखेगा। ओके, देन शी हैज टू टेक अ टर्न टू राइट, जब उसको चर्च दिखेगा, उसने पहले क्या कहा कि उसको कहा मुड़ना है, पहले घर से निकलने के बाद लेफ्ट में मुड़ना है। ओके, अंडरलाइन करते चलो। उसके बाद उसको क्या दिखेगा, चर्च दिखेगा। चर्च दिखने के बाद उसको कहाँ मुड़ना है, राइट में। आफ्टर वॉकिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ अंतर चलने के बाद, कुछ थोड़ा सा चलने के बाद, अ टर्न वेल कम टू द राइट ऑफ द हॉस्पिटल, उसको क्या दिखेगा, राइट हैंड पे उसको हॉस्पिटल दिखेगा। अ टर्न विल केम टू द राइट ऑफ द हॉस्पिटल, अब उसको कुछ देर चलने के बाद हॉस्पिटल दिखेगा, अब उसको हॉस्पिटल के राइट से टर्न होना है, हॉस्पिटल के राइट से टर्न होना है। शी हैज टू टेक अ टर्न टू द राइट एंड देन टू द लेफ्ट, अब उसको एक बार राइट में मुड़ना है, देन लेफ्ट में मुड़ना है। ऑन द राइट ऑफ द मार्केट इज हिज हाउस, और राइट के मार्केट में उसका घर है, राइट का जो मार्केट है वही उसका घर है। इट इज थर्ड फ्रॉम द कॉर्नर, और वो उसका हाउस से मार्केट तीसरे कॉर्नर पर है। ओके, अब हम यहाँ से समझते हैं, ये रोज का घर है, आपको दिख रहा है ये रोज का घर है, ठीक है, ये उसकी हाउसिंग सोसाइटी है, ये उसकी हाउसिंग सोसाइटी, ये जो मैं आपको पेंसिल से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये उसकी हाउसिंग सोसाइटी है, ये रोज का घर है। जब रोज अपने घर से निकलेगी, उसको कहाँ मुड़ना है, अपनी सोसाइटी को पार करने के बाद उसको लेफ्ट में मुड़ना है। लेफ्ट में मुड़ने के बाद उसको क्या दिखेगा, चर्च। चर्च को देखने के बाद उसको राइट में टर्न होना है, ना कि लेफ्ट में, उसको राइट में टर्न होना है। जब राइट में टर्न होगी वो राइट में, तो उसको क्या दिखेगा, हॉस्पिटल दिखेगा। ये लेफ्ट से डायरेक्ट राइट में टर्न हो गई तो उसको हॉस्पिटल दिखा, हॉस्पिटल से सीधा सीधा उसको चलना है, और उसके राइट से, हॉस्पिटल के राइट से जब वो चलती जाएगी, देन उसको दोबारा राइट में मुड़ना है, तो मार्केट दिखेगा, ये मार्केट है। मार्केट से सीधा सीधा राइट में चलेगी, फिर उसको कहाँ मुड़ना है, राइट में मुड़ना है, और राइट से थर्ड वन पर उसका घर है, किसका, जॉन का घर है। ओके, तो ये हो गया हमारा रीडिंग स्केच। अब हम मैप्स और अवर इंडिया नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सी यू सून, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।